दिनि नन्दित मे दिनि विश्व विनो दिनि नन्दनु ते देवय विन्द्य शिरो दिनि वासिनि विष्णु विलासिनि विष्णुनु ते भगवति केशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि। प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त गणेश औभाद आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ओमटेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम मोहटा देवी मंदिर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। मोहटा देवी का मंदिर महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के पाथरडी तालुका के मोहटा गाँव में एक पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर महाराष्ट्र में देवी देवताओं के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। कलयुग में सांसारिक और परोक्ष सुखों को देने वाली पूजा के माध्यम से मानव जीवन को पूर्ण आनंद देने वाली श्री भगवती मोहटा देवी हैं। महाराष्ट्र के शक्ति पीठों में से श्री क्षेत्र माहुरगढ़ निवासिनी रेणुका माता का अंश अवतार जागृत एवं पूज्य माता जगदम्बा देवी ही श्री क्षेत्र मोहटा देवी गढ़ निवासिनी श्री भगवती मोहटा देवी हैं। यह स्थान पाथरडी शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर कारेगांव और मोहटा गाँव के बीच में स्थित है। यह मोहटा देवी का पुराना मंदिर है। इस जगह के पुराने मंदिर को पूरी तरह से हटा दिया गया है और इस जगह पर एक भव्य दिव्य शानदार मंदिर का निर्माण किया गया है। इस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए राजस्थान के जैसलमेर से पत्थर लाए गए थे। 1.5 साल से मंदिर के पत्थरों पर नक्काशी का काम चल रहा था। इस नक्काशी के लिए कई कारीगरों को लगाया गया था। मंदिर निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है और बचा हुआ निर्माण का कार्य जोरों पर है। दक्षिण भारतीय शैली का यह मंदिर 10 एकड़ के क्षेत्र में करोड़ों रुपए के दान और दान धर्म से बनाया गया है। मंदिर परिसर में 5 मंजिला भवन, भक्तावास, भोजन कक्ष, VIP आवास, मंदिर समिति कार्यालय, मंदिर समिति के अध्यक्ष का स्वतंत्र कार्यालय आदि की स्थापना की गई है और एक भव्य मंडप कीर्तन और भजन के लिए स्थापित किया गया है। दिन में 3 बार देवी की आरती की जाती है। सुबह 5 बजे पूजा शुरू होती है। पहली आरती सुबह 7 बजे, दूसरी आरती दोपहर 12 बजे और तीसरी आरती शाम 7 बजे की जाती है। मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए सुबह 5 से रात 10 बजे तक खुला रहता है। नवरात्रि उत्सव का आयोजन देवस्थान समिति द्वारा किया जाता है। यह भक्ति उत्सव लगभग 15 दिनों तक चलता है। पालखी और देवी का जुलूस मोहटागढ़ गांव से निकाला जाता है। श्री मोहटा देवी के भक्त हर साल देवी की पूजा आराधना और दर्शन करने के लिए दुनिया भर से बिना किसी बाधा के आते हैं और अपने साथ एक नई और अलग ऊर्जा लेकर जाते हैं। कई वर्ष पूर्व विश्व कल्याण के लिए नाथपंथी नवनाथों ने शबरी विद्या कवित्व की सिद्धि के लिए महायज्ञ किया था और भगवती महाशक्ति श्री जगदम्बा देवी की पूजा आराधना की थी। इस महायज्ञ के लिए कई ऋषियों को बुलाया गया था। महायज्ञ से सभी देवी देवता प्रसन्न हुए। पूर्णाहुति समारोह के दौरान यज्ञ कुंड में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वही महाशक्ति श्री जगदम्बा रेणुका माता है। उन्होंने नवनाथों को वरदान दिया और दुनिया के कल्याण के लिए शबरी विद्या कवित्व को आशीर्वचन दिया। उस समय नवनाथों ने माता से प्रार्थना की कि आप संसार के कल्याण हेतु इस स्थान पर रहें। कालांतर में विश्व के कल्याण के लिए रेणुका माता प्रकट हुई और उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया और मोहटा देवी के नाम से विख्यात हुई। मोहटा देवी को नवसाची देवी के रूप में जाना जाता है। रजाकार काल में मोहटा गाँव में भैंस चोरी की एक कथा प्रचलित है, इसलिए यहाँ आज भी दूध, दही, मक्खन और घी बिकता नहीं है। माता के भक्ति महिमा पर आधारित मराठी फिल्म जय रेणुका माता और मोहट्याची देवी रेणुका माता आदि फिल्में बनाई गई है। वर्तमान में इस कोरोना काल में सरकार के निर्देशानुसार श्री मोहटा देवी मंदिर दर्शन के लिए बंद है। दर्शन की सुविधा उन भक्तों के लिए खुली है जिनके पास ऑनलाइन दर्शन पास है। आइए मित्रों, हम सभी मिलकर दुनिया को इस कोरोना रूपी संकट से बचाने के लिए जगत माता की पूजा आराधना करते हैं। मित्रों, आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।